हेलो दोस्तों, मैं हूँ आशा वर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आशा वर्मा कुकिंग। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। पकौड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधी पत्ता गोभी ली है और इसे काट लिया है। गोभी को ज़्यादा बारीक नहीं काटना है, जैसे कि लंबे साइज में प्याज काटते हैं बिल्कुल वैसे ही। इसके बाद में एक प्याज लंबे लंबे काट लेना और थोड़ी सी हरी मिर्च भी काट लिए। इसके बाद में गोभी को बड़े बर्तन में डाल लेंगे, साथ में प्याज और हरी मिर्च भी डाल लेंगे। इसके बाद में थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी पिसी हल्दी, आधी चम्मच पिसा धनिया, स्वाद अनुसार पिसी लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, चुटकी भर हींग, एक चम्मच पिसा गरम मसाला और एक कप बेसन डालकर मिला लेंगे। जब सभी मसाले और गोभी अच्छे से मिल जाए, तब आधा कप पानी डालकर मिला लेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद में बर्तन में तेल डालकर गरम कर लेंगे। तेल गरम होने के बाद में छोटी छोटी पकौड़ियाँ डाल देंगे। और एक तरफ से पक जाए, इसके बाद में पलट कर दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। बस ऐसे ही सारी पकौड़ियाँ निकाल लेंगे। पकौड़ियाँ निकालते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक तो पकौड़ी के मसाले में पानी ज़्यादा नहीं करना है। दूसरा, जब तक तेल अच्छे से गर्म ना हो जाए तब तक पकौड़ी नहीं डालनी है। और हाँ, यह भी ध्यान रखना कि तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो पकौड़ी जल जाएगी। अब सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण बात, एक बार जब पकौड़ी निकल जाए तो एक बार खाकर जरूर देख लेना कि किसी चीज़ की कमी तो नहीं रह गई, जैसे कि नमक मिर्ची बस हो चुकी है। कुरकुरी चटपटी मसालेदार पत्ता गोभी की पकौड़ी तैयार। रेसिपी आपको कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।